टोल कॉलेज के पास जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टीवीएस एजेंसी है, टीवीएस एजेंसी है। और यहाँ जो है कोई एसने घुस गया है दोस्तों, और 12 बजे करीब जो है एसने घुसा है और वो कैमरे में कैद हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमको खबर मिला, जैसे ही फ़ोन आया, वैसे ही हम जगह पर पहुँच चुके हैं। और इसी एजेंसी में जो है कोई एसने घुसा हुआ है, टीवीएस एजेंसी है। देख सकते हैं आप, यहाँ टीवीएस एजेंसी का ये बोर्ड लगा हुआ है और इसी के अंदर जो है सामान वामान, जो टीवीएस का जो गाड़ी का पार्ट्स होता है, वो पार्ट्स में जो है पार्ट्स रखा हुआ है जिस रूम में, उसी रूम में जो है कोई स्नेक घुसा हुआ है। तो आइए फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं कौन सा सांप है। नज़रें जमाए रखिए, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लीज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं टीवीएस का ये एजेंसी है और उसी का जो है पार्ट पुर्जा यहाँ रखा हुआ है इस रूम में, और इसी रूम में जो है कोई एसने घुसा है नीचे से, और उसको हटा पटा के आप लोग देखें। ज्यादा बड़ा था, बड़ा है, पूरा दिन निकाल दोगे। पकड़ लीजिए, पकड़े वाला है जगह। जूम कर लो, अच्छा। और क्या क्या है कौन दोस्तों, काफी कड़ी मेहनत करने के बाद, काफी जद्दोजहद करने के बाद ये इंडियन रेड स्नेक दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसी जगह पे घुसा हुआ था कि निकालना बहुत मुश्किल था। लड़ने वाले का कभी हार नहीं होता है दोस्तों। तो ये रेड स्नेक जो है लगभग जो है 5 फीट का जो है दोस्तों ये रेस्क्यू हो चुका है। अब इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ओ माय, चलिए ये काम है सर स्नेक सेवर का। आप लोग कॉफी नहीं करिएगा नहीं तो मारे जाइएगा। चलिए, बहुत मेहनत करवा लिया तो सर। एक मिनट आप बता दीजिए, श्रीलांस ऑटोमोटिव का कमतौल कॉलेज के पास दरभंगा में टीवीएस के एजेंसी में जो है सामने पूरा फॉरेस्ट है। हो सकता है कि उसके अंदर से यहाँ घुसा हो रोड क्रॉस करके। तो पूंछ में कांटा होता है, अगर इसका पूंछ आपके शरीर में कहीं पे भी लग गया तो आपका अंग सूखने लगेगा दोस्तों। आज ट्राई करके हम देखते हैं, मार करके देखते हैं मेरा अंग सूखता है कि नहीं। कभी ये नहीं समझना आप लोग कि मेरे पास कोई मंत्र है या कोई जादू है, इसलिए हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए सर, इसके पूंछ में या इसके शरीर में कुछ नहीं होता, ये काटता है मुँह से। अब इसका स्पीड हम देखते हैं कितना इसमें काटता है। कब्जे में है क्योंकि इसके अंदर जहर ही नहीं है। तो लोग बोलता है कि ये जैसे ही दोस्तों इतना प्यारा रेड स्नेक टीवीएस के एजेंसी में घुसा हुआ था दोस्तों। इसकी लंबाई और इसका जो है मोटापा देख करके अच्छे अच्छे लोग जो है भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ये किसान मित्र है, इसको हम किसान मित्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि साल का बहुत सारा चूहा खाता है, इसलिए हम इसको किसान मित्र भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सांप मत मारिए, सांप रहने से इस धरती पर बहुत सारा फायदा है।
जिससे जो है आप उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आपको इसका मालूम नहीं है कि सांप को इस धरती पर रहना कितना जरूरी है, क्योंकि ये चूहा मेंढक खाता है, इसके मुंह में होता है लार। हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, आपको जख्म बन जाए, उसके लिए ट्रीटमेंट का सुन लेना बस। चलिए सांप को हमने बचाया है। अच्छा भैया, कैसा लग रहा है आपको ये बेजुबान जीव को? बहुत, हमको बहुत, हम कभी नहीं मानते। चलिए अच्छी बात है, ऐसे बेजुबान जीव को बचाना चाहिए। दोस्तों